पढ़ेंगे। ये पोएम जो है वो जो हम लोग चैप्टर पढ़े थे पिछले वीडियो में बी प्रिपेयर्ड उसके बाद वाला पोएम है। इस पोएम का नाम है ऑन द बीच जिसके राइटर है कैट ग्रीनवे। ठीक है, तो पोएम पढ़ने से पहले हम लोग इस राइटर के बारे में थोड़े से जान लेते हैं। कैट ग्रीनवे वाज एन इंग्लिश चिल्ड्रंस बुक इलस्ट्रेटर एंड राइटर। कैट ग्रीनवे जो थी वो एक बच्चों की लेखिका थी, वो बच्चों पे किताबें लिखती थी और वो एक राइटर के साथ साथ एक चित्रकार भी थी। आप इस पोएम में देख सकते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे से इसमें चित्र भी बना हुआ है और बहुत अच्छे से इस पोएम को डिस्क्राइब किया गया है। और वो जो है अपने समय की सबसे तीन प्रभावशाली लेखिका में से थी, बच्चों की लेखिका में से सबसे तीन प्रभावशाली लेखिका में से थी। उसके बाद हम लोग आते हैं पोएम पे। इस पोएम में जो है ये जो है कैट ग्रीनवे वो अपने एक साथी के साथ एक पुल पे खड़ी है और वहां पे खड़े होके वो आसपास की सारी चीजों को देख रही है और विशेष मांग रही है कि मेरी ये विषय वो विषय और वो लोग दोनों मिलके अपने विशेष मांग रहे हैं, उसी को इस पोएम में डिस्क्राइब किया गया। तो इसके फर्स्ट पैरा में दिया गया है, इफ आई कुड सी ए लिटिल फिश दैट इज व्हाट आई जस्ट नाउ विश, आई वांट टू सी हिज ग्रेट राउंड आईज ऑलवेज ओपन इन सरप्राइज। इसमें राइटर कहती है कि उनकी विश है कि वो एक फिश को देखे, जो कि उनकी एक विश है वो एक लिटिल फिश को देखे और वो चाहती है कि वो जो फिश है उसकी जो बड़ी बड़ी आंखें हैं जो आश्चर्य में हमेशा खुली हुई रहती है वो उन आंखों को देखना चाहती है। तो फर्स्ट पैरा में क्या दिया गया कि वो एक लिटिल फिश को देखना चाहती है जिसकी आंखें सरप्राइज में खुली हुई रहती है, आश्चर्य में जिसकी आंखें खुली हुई रहती है। नेक्स्ट पैरा में है, आई विश ए वॉटर रैट वुड ग्लाइड स्लोली टू द अदर साइड और ए डांसिंग स्पाइडर स्लीप ऑन द येलो फ्लैग्स अ बिट। उसके नेक्स्ट विश उनकी क्या है कि वो एक वाटर रैट को देखे जो कि बहुत ही स्मूथली और क्वाइटली एकदम एक साइड से मतलब रिवर के एक साइड से दूसरे साइड में जा रही हो और ये डांसिंग स्पाइडर सीट और एक डांस करते हुए स्पाइडर को भी देखना चाहती है जो कि एक येलो से फ्लैग में शांति से बैठा हुआ। ठीक है, तो ये दो पैरा में हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट विश उनकी जो है वो है एक फिश को देखना जो कि वो उस फिश की ग्रेट राउंड आइज बड़ी बड़ी आंखें आश्चर्य में खुली हुई रहती है। नेक्स्ट विश उनकी क्या है, एक वाटर रैट को देखना जो कि बहुत स्मूथली और क्वाइटली एक साइड से अदर साइड जा रही है। नेक्स्ट उनकी है एक डांसिंग स्पाइडर को देखना जो कि एक येलो से फ्लैग पे बैठी हुई है। नेक्स्ट पेज में है, आई थिंक आई विल गेट सम स्टोन्स टू थ्रो एंड वॉच द प्रीटी सर्कल शो और सेल वी सेल फ्लावर बोट एंड वॉच इट स्लोली स्लोली फ्लोट। और वो सोचती है वहीं पे बीच पे खड़े होके वो सोचती है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ स्टोन थ्रो करूँ मतलब उस रिवर में जो स्टोन फेंकू कुछ पत्थर फेंकू तो वहां पे बहुत प्यारे प्यारे सर्कल बन जाएंगे, बहुत अच्छे से वहाँ सर्कल शो करेंगे। और वो एक फ्लावर बोट भी सेल करना चाहती है, एक फ्लावर बोट सेल करना चाहती है जो कि बहुत स्मूथली और स्लोली स्लोली वहां पे फ्लोट करेगा तैरेगा, वो एक फ्लावर बोट भी सेल करना चाहती है वहां पे। दैट्स नाइस बिकॉज यू नेवर नो हाउ फार अवे इट मीन्स टू गो एंड व्हेन टुमारो कम्स यू सी इट मे बी इन द ग्रेट वाइड सी। और बोल रही है कि ये बहुत अच्छा है, क्यों, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कि वो जो फ्लावर बोट है वो कितनी दूर तक जा सकता है, हो सकता है आगे चल के वो फ्लावर बोट जो है वो बड़े से एक समुद्र तक पहुंच जाए। तो इसमें ये चारों विश उनकी दी गई है। पहला विश है वो एक फिश को देखना चाहती है जिसकी बड़ी बड़ी आंखें आश्चर्य में खुली हुई रहती है। नेक्स्ट विश है वो एक वाटर रैट को देखना चाहती है जो बहुत स्मूथली और क्वाइटली एक साइड से अदर साइड जा रही हो। नेक्स्ट विश है वो एक डांसिंग स्पाइडर को देखना चाहती है जो एक येलो से फ्लैग पे बैठा हुआ हो। और नेक्स्ट उनकी विश है एक फ्लावर बोट सेल करना चाहती है और वो चाहती है कि वो फ्लावर बोट जो है शायद आगे चल के वो एक समुन्द्र तक पहुंच जाए। ठीक है, इसमें इनकी इतनी सारी विश है, आप इस पोएम को अच्छे से रीड कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू।